अभी चल रहा है हैदराबाद दी। यस, आज मेरी गाड़ी का जो अपना बीस्ट है उसका हैप्पी बर्थडे टू यू समझो, एक साल कंप्लीट हुआ आज, मार्च 7th है। लास्ट ईयर मार्च 7th को लिया था मैं गाड़ी। आज मैं इसका जो 1 ईयर का ओनर रिव्यू रहता वो बताने वाला हूँ अपनी हैदराबादी लैंग्वेज में। तो अभी मैं आया बीरमगुड़ा में, एक क्या बोलते हैं एरिया है समझो, यहाँ पे पीछे पहाड़ का एरिया अच्छा है, यहाँ पे मंदिर है ऊपर, उसको गुट्टा बोलते समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर थोड़ा लोकेशन अच्छा है, पीछे सनसेट हो रहा है यहाँ पे, कहाँ है सन कहाँ गया, सनसेट हो गया ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं, लोकेशन अच्छी थी कि इसके लिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ आज का अपना स्पेशल वीडियो समझो। गाड़ी लेने के बाद में इसके अंदर थोड़े मॉडिफिकेशन ना कराए, जैसे कि मॉडिफिकेशन नहीं बोलते इसको, बोलते प्रमोशन, अपना इंस्टाग्राम का आईडी है यहाँ पे, और जो अपना यहाँ पे यूट्यूब का आईडी रहता है वो यूट्यूब का आईडी है। और ये दो चीज़ें लगाया समझो, पहले जब मैं गाड़ी लिया तो अपने को थोड़ा यूट्यूबर खेलना था समझो, तो इसके लिए मैं बनाया। और ये सामने का जो ये देख रहे हैं आप लोग, तो ये गाड़ी के बारे में जो मैं बात करूँ, तो पहली बात तो गाड़ी लेके एक साल हो गया आज को, और गाड़ी के मीटर की रीडिंग देखो 10,000 तो क्रॉस, 11,758 किलोमीटर्स कंप्लीट हुए गाड़ी के, एक साल में चलाए समझो अपन इतने किलोमीटर्स यहाँ हैदराबाद में, हैदराबाद के बाहर बहुत जगह गए अपन गाड़ी ले लेके, मगर लॉन्ग ड्राइव मारना था मगर अभी तक नहीं हुआ समझो लॉन्ग ड्राइव मारने का, इसके लिए नहीं गए अपन। तो अब गाड़ी की रिव्यू की बात करें तो अपन गाड़ी तो मस्त है समझो, जैसा मैं पहले 150 लेने वाला था, मगर 150 में बैठा का टेस्ट ड्राइव लिया, सब लिया मैं। लेने के बाद में मेरे को दोस्तों से पूछा, भाई 150 कैसी रहती, बोल तो भाई सिटी में चलाने के लिए अच्छी रहती बोले लोग। तो उसके हिसाब से मैं देखे तो ले लेंगे सोचा था, ऑलमोस्ट सब कुछ सेट हो गया, मगर अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से वो नहीं जमी समझो गाड़ी, इसके लिए मैं 220 में ट्राई करेंगे रे भाई। दोनों का रेट का जब 2021 में खाली 20,000 का डिफरेंस था वाला, 220 बड़ी गाड़ी है रे भाई, सामने मुंडा बड़ा है, अच्छा डोम वोम है, अपनी पर्सनैलिटी के साथ मैच होता बोल के अपन इसके लिए फाइनल हो गए समझो। और एक गाड़ी देखा था सुजुकी की जिक्सर जो SF रहती, नया मॉडल है वो भी, कितना 160 cc की गाड़ी है वो, अपना बीरमगुड़ा में शोरूम है, वहाँ पे जाके उसको टेस्ट ड्राइव लिया तो मस्त थी गाड़ी, मगर जो मैं जो बोलता ना झुकके चलाने का रहता, जैसा R15 है अपनी गाड़ी, वो भी झुकके चलाने का था, और सीट भी कंफर्टेबल नहीं थी, जैसा अपने डिक्की जो रहती वो बहुत दर्द होती समझो अपन को लॉन्ग ड्राइव जाना रहा, तो इसमें भी इतना ज़्यादा नहीं होती मगर लाइट होती, उसमें तो और बहुत बुरी हालत हो रही थी अपनी। इसके लिए अपन लास्ट एंड फाइनल डिसाइड कर लेंगे, हाओ भाई अपने को 220 से किस्मत में बोले 220 की जाके ले लिए समझो। और देखे देखे तक एक साल भी हो गया, मैं इसको कहाँ कहाँ पे लेके गया बोले तो संगारेड्डी लेके गया, करीमनगर गया गाड़ी पे, वो ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर था यहाँ पे। मेरी पहले की जो गाड़ी थी होंडा ट्विस्टर उस पे गया था, कहाँ पे गया था, चिराला गया था, वो भी 370 किलोमीटर था, उसमें बोलते ना डिक्की चंबू हो गई हमारी, वो डिक्की चंबू हो गई थी, मगर ये गाड़ी में हम ना 350 किलोमीटर्स को गए थे जाने के लिए, 350 किलोमीटर आने के लिए मैं और मेरा जो स्पेशल पर्सन है हम ना दोनों भी गए थे। उतना तो ज़्यादा हम लोगों को डिस्कम्फर्ट नहीं दिखा, अच्छा दिखा हम लोगों को, अच्छे ही समझो गाड़ी, हाईवे पे चलाने के लिए ज़बरदस्त, सिटी के लिए ज़बरदस्त है। और जिस लोगों को स्टंट करने की आदत थी, कुत्ते काटते रहते थे तो कुत्तों को भगाना करना, उड़ाना गाड़ी को, पीछे घटाना उड़ाना, वो लोगों के लिए भी सही गाड़ी है, अगर देख के चलाए तो अच्छा। केवल तो गिरते ही गाड़ी का जो सामने का जो डोम है वो डोम टूट के स्क्रैचा लगते समझो, मेरी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे यार एक्सीडेंट, ये जो इंडिकेटर देख रहे हैं आप लोग, इंडिकेटर टूटा हुआ है, यहाँ पे जो दिख रहा स्क्रैच ये भी स्क्रैच वही उसका है, वो ज़माने का है। मैं मुंबई करा था समझो एक्सपोर्ट गाड़ी को, मुंबई एक्सपोर्ट करने के बाद में वहाँ पे गाड़ी पे जा रहा था, तो गाड़ी पे जाते जाते मेरे को किस्मत ख़राब थी समझो वो दिन, तो मेरे आगे एक टैंकर जा रहा था समझो, टैंकर के अंदर से थोड़ा ऑयल लीक हुआ, रोड पे गिर गया हम लोग, मैं भी कम स्पीड में था समझो, 20-30 की स्पीड में था मैं, सामने देख ऑयल ले रहे भाई, कंट्रोल नहीं होती और लाइट ले लेके ब्रेक व्रेक कुछ भी नहीं मारा, ऐसे जाते जाते गाड़ी ऐसा सो गई गाड़ी, मैं यहाँ गिरा बोले तो गाड़ी उधर गई, बहुत दूर गई गाड़ी, मगर होना था किस्मत में तो हो गया समझो, होकर भी ऑलमोस्ट 4 महीने हुआ। तो उसके बाद में मैं क्या क्या चेंज कराया, कि जो सामने का लीवर रहता है ये बेंड हो गया था पूरा, ये तो छोड़ दिया मैं, इससे कहीं को तो ज़्यादा अपने को समझ में नहीं आ रहा, चेंज कराओ ना करो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। और ये जो रहता अपना क्या बोलते हैं इसको सेफ्टी रॉड, ये भी पूरा पिंडे मिल गया, बेंड हो गया समझो, ये साइड का बेंड है, बाजू का साइड का सीधा है, और ये पूरा घसे गया, ये पूरा चले गया समझो, ये नीचे भी देखो आप लोग, ये वाला बोलते बहुत बुरी हालत थी गाड़ी की, इसका वीडियो भी है मैं इसके अंदर, ये वीडियो के बीच में ऐड करता हूँ मैं, बहुत बुरी हालत हो गई थी समझो, मारा तो नहीं लगे, थोड़े मारा लगे थे, उससे ज़्यादा नहीं लगे, एक बार तो ऑयल था ना, ऑयल में पिसल के खाली जा रहे थे समझो, तो
फिसल के जा रहे थे, तो जाते 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 रुक गए। रुकने के बाद उठ के देखे तो गाड़ी उधर पड़ी हुई है, हम इधर पड़े हुए हैं। लोग आके उठाए करे गाड़ी को, साइड में लेके गए। लेके जाने के बाद में साइड में रखे, उसके बाद देखा गाड़ी की हालत ऐसी होगी, चलाने की हालत में तो नहीं थी। उसके बाद में हम लोग वहाँ पर रुक के टायर को पूरा ऑयल लगाया हुआ था, टायर को साफ़ करे सब करे, उसके बाद में वहाँ से निकाल के घर को लेके आया समझो। और किलोमीटर की बात तो कर लिया मैं, यहाँ पे चल गई 11,700 किलोमीटर गाड़ी। उसके बाद में और क्या है, गाड़ी का चलाना बोलते इंजन का, इसका 220 cc बोलते हैं इसको, 220F जैसा ब्रांडिंग इसकी, 220F गाड़ी का नाम, और पल्सर DTS का इंजन आता है इसके अंदर। चलाने में तो अच्छी दिखी हमारे को, और अच्छी बात हम बोलूँ बुरे बात हम बोलूँ तो गाड़ी के ये है कि अपने को, मैं इससे पहले भी गाड़ी चलाया, मेरी वो गाड़ी भी ब्रेक मारती की स्पीड होती ना वैसा, इससे ही मैं बहुत बार दिखा मगर उतना बुरा नहीं दिखा जैसा। सडनली अपन जब ब्रेक मारते तो गाड़ी से स्कीड हो जाती सब, तो इसमें भी उतना ज़्यादा नहीं है मगर है स्कीड होती गाड़ी ये भी। और बेंडिंग वेंडिंग की बात करें तो बेंडिंग वेंडिंग भी कर सकते हैं, मगर बेंडिंग जैसे ब्रेक मार तो इंडिया से लेके अमेरिका चले जाना पड़ता अपने को। उसके अलावा तो सब गाड़ी में सही है। सीट भी देखा आप लोग, दो सीट है मतलब स्प्लिट सीट बोलते हैं, स्प्लिट सीट है गाड़ी में, दोनों भी मस्त कंफर्टेबल रहते। सामने बैठने वाले करें तो पीछे बैठने वाले मस्त कंफर्टेबल रहते, चला सकते समझो। तो गाड़ी के बारे में बात करें तो अपन गाड़ी में ड्यूल चैनल ABS रहता। ABS का मतलब एंटी ब्रेकिंग सिस्टम हो सकता, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम हो सकता, अपने को तो नहीं मालूम, मगर ऐसा कोई ब्रेकिंग सिस्टम है समझो। आगे जो डिस्की प्लेट रहती है, ये वाली डिस्की प्लेट है, इससे की ब्रेकिंग ज़बरदस्त रहती है, और पीछे भी सेम डिस्की प्लेट रहती है, पीछे की भी ब्रेकिंग ज़बरदस्त है समझो। 220 में तो मैक्सिमम बड़ा CC है तो ऑटोमेटिकली उन डिस्क ब्रेक देना ज़रूरी है, बड़ी CC की गाड़ी है तो अच्छी ब्रेकिंग रही तो अच्छा रहता समझो गाड़ी के लिए। और गाड़ी की हेडलाइट तो जो ज़बरदस्त है ना, मस्त फेंकती आगे तक, दूर तक जाती, हाई पास भी लो पास भी दोनों भी ज़बरदस्त है। और गाड़ी का कलर मेरे को बहुत अच्छा दिखा, अपना फेवरेट कलर तो ब्लू है समझो, तो इसके लिए अपन ब्लू लिए कलर स्पेशली। रेड था मगर रेड नहीं लिया हमें, अपने ब्लैक और ब्लू ज़बरदस्त दिखा। अगर पूरी ब्लू में रहती थी तो और ज़बरदस्त था, मगर अपनी किस्मत इतनी फूटी है कि इतनी फूटी है किस्मत के मैं लेने के ये वाली गाड़ी बराबर 20 दिन के बाद में नया कलर लॉन्च हुआ समझो। नया कलर मतलब पूरी ब्लू गाड़ी, उसके अंदर वाइट के स्टिकर आते। मैं सोचा उसको जाके पूछा शोरूम में, भाई ये लेके एक्सचेंज में कितने देते, बोले तो 150,000 की लिया मैं गाड़ी, मगर 1,00,000 रुपये देता हुआ, 50,000 रुपये का नुकसान करते। और ये गाड़ी अपन ये चला रहे थे, होना था इसको मॉडिफिकेशन कर लेते, बोल के लाइट ले लेके आ जाना पड़ा मेरे। मगर देखने में तो ये गाड़ी भी अच्छी अच्छी अपने को सेट हुई समझो। अभी इसके बाद में बड़ी प्लानिंग है अपनी, आगे फ्यूचर में बड़े बड़े गाड़ियाँ लेंगे अपन, बड़े बड़े गाड़ियाँ जो रहते हो ज़बरदस्त ऊँ करके आवाज़ निकाल देना, वैसी वाली गाड़ी लेने की प्लानिंग है समझो। तो ओनरशिप रिव्यू की बात करें तो गाड़ी अच्छी है समझो, आप लोग ले सकते हैं हैदराबाद में चलाने के लिए, नहीं इंडिया में कहीं भी, अमेरिका में कहीं भी चलाने के लिए ले सकते हैं आप लोग गाड़ी। और अभी तो फर्स्ट हैप्पी बर्थडे टू यू गाड़ी का, आगे और मनाएंगे अपन इंशाल्लाह, और ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं प्लान कर रहा हूँ आगे एक जो मोटो ब्लॉग के लिए, जो लॉन्ग ड्राइव के लिए, गोवा ने तो कहीं ना कहीं जाने के लिए अभी सोच रहे समझो अपन। किस्मत अगर साथ दी तो अपनी अपन लोग जा सकते समझो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करते हैं, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, अपने मियाँ भाई का चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब बराबर करो अपने मियाँ भाई का चैनल है। आज के लिए ओवर एंड आउट।